नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए जानते हैं आज करेंट अफेयर्स में क्या है। प्रश्न एक, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की पहल है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी बिहार। इसका सही उत्तर है डी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जल जीवन हरियाली योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जागरूकता सम्मेलन में 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। प्रश्न दो, अमेजन ने किस ग्रुप के साथ साझेदारी की सहमति जताई है? ए फ्यूचर ग्रुप, बी रिलायंस ग्रुप, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा, डी टाटा सन्स। इसका सही उत्तर है ए फ्यूचर ग्रुप। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने हाल ही में अग्रणी रिटेलर फ्यूचर ग्रुप के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत फ्यूचर ग्रुप अमेजन के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा तथा अमेजन फ्यूचर ग्रुप का ऑनलाइन स्टोर होगा। इससे अमेजन की मार्केट में पकड़ और मजबूत होगी। फ्यूचर ग्रुप विभिन्न प्रकार के उत्पादों का विक्रय करता है। बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडियरी है। प्रश्न तीन, टेस उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था? ए नासा, बी इसरो, सी डीआरडीओ या डी सीपीके। इसका सही उत्तर है ए नासा। टेस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट उपग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था। हाल ही में इस उपग्रह ने TOI-700D नामक नए ग्रह की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है। यह ग्रह पृथ्वी से 101.5 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रश्न चार, किस बैंक ने तमिलनाडु की विमेन इंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? ए SBI, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इंडियन बैंक या डी PNB। इसका सही उत्तर है सी इंडियन बैंक। तमिलनाडु बेस्ट अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु की विमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के अनुसार इंडियन बैंक WEWA के सदस्यों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इन उद्यमियों को कम दरों पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा WEWA के सदस्यों को INDSETI इंडियन बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रश्न पाँच, डेनियल डी रोसी ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के फुटबॉलर हैं? ए ब्राजील, बी इटली, सी कजाकिस्तान या डी रूस। इसका सही उत्तर है बी इटली। इटली के फुटबॉलर डेनियल डी रोसी ने हाल ही में प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे रूमा फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे। वे 18 वर्ष तक सीरी ए फुटबॉल लीग से जुड़े हैं। वे 2006 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली इटली की फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। प्रश्न छः, किस देश ने अमेरिका के सैनिकों को आतंकवादी घोषित किया है? ए ईरान, बी इराक, सी कुवैत या डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ए ईरान। अमेरिका के सैनिकों को आतंकवादी घोषित करते हुए ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इस हमले में 22 मिसाइलें दागी। ईरान ने इस हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दरअसल ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा कासिम सुलेमानी को मारे जाने के जवाब में की है। अमेरिका ने ड्रोन हमले के द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। फिलहाल अमेरिका नुकसान का आकलन कर रहा है। यह मिसाइलें इराक में अल असद और इरबिल में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई हैं। इस घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपनी इस सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा की। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रश्न सात, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ होगा? ए रांची, बी पटना, सी भुवनेश्वर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी भुवनेश्वर। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की घोषणा की है। इन खेलों का आयोजन भुवनेश्वर में 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच किया जाएगा। इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र हिस्सा लेंगे।
हाल ही में खेल मंत्री तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खिलाड़ियों की जर्सी तथा लोगो का अनावरण किया था। प्रश्न 8, किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? ए भारत, बी रूस, सी अफगानिस्तान या डी ईरान। इसका सही उत्तर है डी ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खुमेनी एयरपोर्ट पर 8 जनवरी 2020 को बोइंग 737-800 विमान उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इसमें 167 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। बोइंग 737-800 भी इससे पहले कई दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है। मई 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान मैंगलोर में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 150 लोगों की मौत हुई थी। प्रश्न 9, रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए झारखंड। रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। वे इससे पहले साल 2005 और साल 2014 में इसी सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ए चंबल, बी हिसार, सी कोझिकोड या डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है डी भागलपुर। जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किए जाने की योजना है। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। इस तरह का पहला केंद्र है। यह पुनर्वास केंद्र लगभग आधे एकड़ भूमि में फैला है तथा एक समय में लगभग 500 कछुओं को आश्रय दे सकता है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे FB पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करें। ऐसे अन्य अपडेट्स पाने के लिए बने रहे हमारे यानी द फुल वॉल्यूम के साथ। धन्यवाद।